भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के भतीजे की शादी थी कल पटना में। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि पवन सिंह के सगे भतीजे की तो नहीं, लेकिन पवन सिंह के दोस्त से भी बढ़कर भाई दीपक सिंह के भतीजे की शादी थी। और जब भाई दीपक सिंह को पवन सिंह दोस्त से बढ़कर अपना भाई मानते हैं और ये कहते हैं कि अगर आज दीपक सिंह न होते तो पवन सिंह इंडस्ट्री में न होते, पवन सिंह इस दुनिया में न होते, तो भाई उनके अगर भतीजे की शादी है तो मतलब पवन सिंह के ये घर की शादी है। यहाँ पर पवन सिंह ने क्या क्या किया, यहाँ पर पवन सिंह ने ऐसा प्रोग्राम किया कि जो बरसों तक सभी को याद रहेगा। ये शादी पटना में थी और पटना में कल अगर कुछ गूंज रहा था तो पवन सिंह का नाम। आपको बता दें कि इस शादी में पवन सिंह ने जमकर गाया और भोजपुरी के तकरीबन सभी बड़े दिग्गज सिंगर और साथ ही साथ बहुत बड़े कलाकार भी यहाँ मौजूद थे। पवन सिंह के साथ रानी चटर्जी, अंजना सिंह, पूनम दुबे जैसे कई बड़ी सेलिब्रिटी थी। और तो और सिंगरों की बात कर ले तो प्रियंका सिंह, गुंजन सिंह और इंदु सोनाली जैसी कई बेहतरीन सिंगर भी यहाँ मौजूद थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का समा बंधा होगा यहाँ पर। यहाँ पर पवन सिंह ने कई बड़े खुलासे किए। स्टेज पर आने के बाद दीपक सिंह की तारीफ की, साथ ही साथ यहाँ पर विनय बिहारी के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि विनय बिहारी के लिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जब तक है और रहेगा तब तक विनय बिहारी के गानों के लिए भाई भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा उनका ऋणी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पवन सिंह ने तकरीबन अपने सारे फेवरेट सॉन्ग गाए। जी हाँ, जैसे छलकत बाहमरी, जवनिया ए राजा, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, और तो और तीसरा उनका सबसे फेमस गाना नहिया लगा के, यानी सभी गाने पवन सिंह ने एक से बढ़कर एक गाए और सभी को ये गाना बहुत पसंद आया। पवन सिंह इस शादी में तब तक रहे जब तक शादी पूरी तरह से संपन्न नहीं हो गई। साथ ही साथ पवन सिंह ने यहाँ दीपक सिंह के भतीजे जिनकी शादी हो रही थी अभिषेक से वादा किया था कि जब उनकी शादी होगी वो चाहे जहाँ भी रहेंगे सारे काम काज छोड़कर वो अपने चाचा होने का फर्ज ज़रूर अदा करेंगे और वो उनके साथ उनके वरमाला के साथ साथ उनकी पूरी शादी में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दीपक के भतीजे अभिषेक और पवन सिंह एक दूसरे को चाचा और भतीजा की तरह मानते हैं। तो भाई पवन सिंह ने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी, तो अब वो किसी और की भी नहीं सुनते। यानी कि उन्होंने कमिटमेंट की थी, यानी कि उनकी शादी में तो उन्हें आना ही था। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।